सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन अपवर्ड making an angle with horizontal moving under gravity called projectile and its motion is called projectile motion। यहां बच्चों एक ही डेफिनेशन में एक्चुअली दो डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोजेक्टाइल तो आप ये कहेंगे कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको ऊपर की तरफ फेंका जाए जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही हो और ग्रेविटी के जेर असर मूव कर रही हो ऐसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और अगर पूछा जाए व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप एक फिक्रे का इजाफा कर देंगे और ये कहेंगे एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो इसकी बेटा डेफिनेशन हो गई। अब चंद एक पॉइंट्स हैं इसके हवाले से जिनको आप जहन में रखेंगे जो आगे कैलकुलेशन में हमारे काम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये जहन में रखना है इट इज टू डायमेंशनल मोशन। जब टू डायमेंशन का जिक्र है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ प्लेन की बात हो रही है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। दूसरी बात कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन called its trajectory which is parabola, यानी वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन के दौरान फॉलो करती है इख्तियार करती है वो उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाती है और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोला होती है। ये बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव है। कभी कोई पूछे आपसे कि जो ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल की वो क्या होती है तो ये पैराबोला होती है। उसके बाद एक और अहम पॉइंट है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ये याद रखना इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरीज। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब आप बात पढ़ रहे हैं के वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब वेलोसिटी का कंपोनेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है तो इट्स मीन एक्सेलरेशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। यानी कैलकुलेशन में जहां ए एक्स आएगा यानी वो एक्सेलरेशन जो एलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा आप उसको जीरो लेंगे। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेरी होता है। वेरी का मतलब होता है तब्दील होना। देखिए सिंपल सी बात है ये बात हम पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही हो या ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो तो फिर हम लीनियर एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल करते हैं यानी जी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये ऊपर जा रही होगी तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे और अगर डाउनवर्ड आ रही होगी तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। साइड पे देखें आपको डायग्राम नजर आ रही होगी कि हमने इसको टू डायमेंशनल क्यों कहा, क्योंकि जब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ छोड़ते हैं मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल तो यहां गौर करो इसकी वेलोसिटी जो है वो दो, एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस उसका कंपोनेंट होगा और एक उसका एलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। इसलिए हमने कहा है कि ये टू डायमेंशनल है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर हमें फुटबॉल मिलती है किक्ड बाय अ प्लेयर। यानी कोई भी प्लेयर होता है जब वो फुटबॉल को किक लगाता है आपने देखा होगा तो जो पाथ वो फॉलो करती है वो यही पैराबोला होता है। इसी तरह दूसरी इसकी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड। जो एक मिसाइल होता है जब उसको लॉन्च किया जाता है छोड़ा जाता है तो वो भी इसी तरह का पैराबोला पाथ इख्तियार करता है। नेक्स्ट, अब यहां देखो बेटा
जो चीजें यहाँ मैंने आपको बताई हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ जब हमने उसको फेंका ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उसकी मोशन टू डायमेंशनल है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक उसका एक्स कंपोनेंट होगा एक उसका वाई कंपोनेंट होगा। और ये बात आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर टू के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी चीज का एक्स कंपोनेंट ऑलवेज कॉस थीटा से फाइंड आउट होता है और वाई कंपोनेंट ऑलवेज साइन थीटा से फाइंड आउट होता है। लिहाजा कैलकुलेशन में जहां वी आई एक्स आएगा हम वी आई कॉस थीटा लगाएंगे, और जहां वी आई वाई आएगा वहां हम वी आई साइन थीटा लगाएंगे। ये दो इक्वेशन होंगी जिनको हम आगे यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है, लिखी हुई है, अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड और ए फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। नेक्स्ट, अब हम बेटा जी इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। मैंने आपको चंद बेसिक चीजें बता दी, मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रहता है, इट्स मीन जहां ए एक्स आएगा आप जीरो पुट करेंगे, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो वेरी होता है, इसलिए जहां ए वाई आएगा यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन आएगा वहां प्लस माइनस जी पुट करेंगे, और जहां वी आई एक्स आएगा वी आई कॉस थीटा डालेंगे, जहां वी आई वाई आएगा वहां वी आई साइन थीटा डालेंगे। बड़ी सिंपल सी ये कैलकुलेशन है। और यहां मैं आपको बात क्लियर कर दूं, जो हमने इस चैप्टर में तीन इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन्हीं तीन इक्वेशन से ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले है बेटा जी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी मैं आपको बता दूं, कोई रट्टा नहीं है कि हमने सेकेंड इक्वेशन को क्यों यूज किया। उसका रीजन बेटा जी ये है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होगा और एलॉन्ग वाई एक्सिस भी होगा, तो हमने क्योंकि अलग अलग फाइंड आउट करना है तो जब एलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी, और जब वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने ऐसी इक्वेशन का इंतखाब किया जिसमें सिर्फ एक वेलोसिटी का जिक्र है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, एस का जिक्र वैसे मौजूद है। तो इक्वेशन आपकी सेलेक्ट हो गई। अब आप पहले मालूम करेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस मालूम कर रहे हो तो वेलोसिटी के साथ भी एक्स लिख देना, एक्सलरेशन के साथ भी एक्स लिख देना, टी को छोड़ देना, क्योंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी का रिलेशन एक्सलरेशन के साथ होता है। तो जब आपने इक्वेशन में वेलोसिटी के साथ भी एक्स लगा देना है, ए के साथ भी एक्स लगा देना है, तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपने डायरेक्ट हल करने की कोशिश की तो आप गलती करेंगे। तो देखें आपके सामने इक्वेशन खड़ी है, हमने एस की जगह एक्स लिख दिया, वेलोसिटी के साथ एक्स लगा दिया और ए के साथ एक्स लगा दिया। अब आप वैल्यूज पुट कर दें जो मैंने आपको बता दिए, जहां ए एक्स आएगा वहां जीरो डाल दें और जहां वी आई एक्स आएगा वहां वी आई कॉस थीटा डालें, तो आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी, ए एक्स जीरो है, पूरे का पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा वी आई कॉस थीटा इनटू टी। सिमिलरली जब आप एलॉन्ग वाई एक्सिस मालूम करेंगे तो आप अपनी इक्वेशन में वाई पुट करेंगे वेलोसिटी के साथ भी एक्सेलरेशन के साथ भी। तो फिर आपने पढ़ा है कि क्योंकि यहाँ अपवर्ड मोशन की बात हो रही है तो ए वाई की जगह हम प्लस माइनस जी लेंगे, क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है तो यहाँ ऊपर जा रहा है, तो ए वाई की जगह हम नेगेटिव जी इस्तेमाल करेंगे, तो वी आई वाई की जगह हम वी आई साइन थीटा डाल देंगे, तो माइनस हाफ जी टी का स्केयर बन जाएगा। ये हमारे पास होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस जी। नेक्स्ट, अब यहां बेटा मैं आपको एक स्पेशल केस समझा रहा हूं। पहली डायग्राम में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, लेकिन अगर याद रखना कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसको हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टन हाइट से डाउनवर्ड फेंका जाए तो फिर जो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं वर्टिकल, वो जरा चेंज होता है, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के लिहाज से एक सर्टन हाइट से नीचे फेंकी जाएगी तो उसका इनिशियल वाई कंपोनेंट जीरो होगा, क्योंकि शुरू में वो एक्स के लिहाज से नीचे फेंकी जा रही है,
तो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट उसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा और नीचे आ रही है ए वाई की जगह आप प्लस जी डालेंगे, तो इस इक्वेशन के मुताबिक आपका जवाब आएगा वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ये भी आपको नजर आएगी अपने टेक्स्ट बुक में इक्वेशन, तो यहां मैंने आपको समझा दी कि ये कैसे आती है। फर्क ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के लिहाज से एक सर्टन हाइट से डाउनवर्ड फेंकी जाएगी तो फिर उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर होगा। जी नेक्स्ट। अब बेटा जी हमारे पास है विलास्टी, पहले आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम किया, अब हम विलास्टी मालूम करने लगे हैं। तो देखें विलास्टी फाइंड आउट करनी है तो विलास्टी के लिए कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो विलास्टी ही फाइंड आउट करती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो आपने विलास्टी ही फाइंड आउट करनी है तो आपने इस इक्वेशन का इंतखाब कर लेना है। अब विलास्टी अलॉन्ग एक्स एक्सेस भी फाइंड आउट करेंगे और अलॉन्ग वाई एक्सेस भी फाइंड आउट करेंगे। तो जब अलॉन्ग एक्स एक्सेस फाइंड आउट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि विलास्टी एंड एक्सेलरेशन इनके साथ आपने एक्स लगा देना है, और जब अलॉन्ग वाई एक्सेस फाइंड आउट करेंगे तो आप विलास्टी और एक्सेलरेशन के साथ वाई लगा देंगे, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखें अलॉन्ग एक्स एक्सेस, तो यहाँ पे हमने वी एफ एक्स, इसी तरह वी आई एक्स और ए एक्स टी। तो ए एक्स को जीरो डाल देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सेस मालूम करेंगे तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। तो अब वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा आ जाएगा और ए वाई की जगह माइनस जी आ जाएगा क्योंकि ये अपवर्ड मोशन का केस है। तो जवाब आएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये आपको विलास्टी मालूम हो गई अलॉन्ग एक्स एक्सेस और अलॉन्ग वाई एक्सेस। नेक्स्ट नेक्स्ट हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होता है, ऑलरेडी आप चैप्टर टू के अंदर मेथड पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, होल का अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं वी आई कॉस थीटा, इसी तरह वाई की भी मालूम कर चुके हैं वी आई साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, होल का अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरह आप डायरेक्शन मालूम कर लेंगे, डायरेक्शन का मेथड भी आप पढ़ रहे हैं, टेन थीटा से फाइंड आउट होती है, यहाँ फाइव यूज करेंगे तो वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, या फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट यानी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी ओवर एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा। तो ये हमारा विलास्टी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया अब ये विलास्टी है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी बड़ी अहम चीज है और वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले इसकी देखें तारीफ लिखी हुई है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मोशन के दौरान जो वर्टिकल अमूदन डिस्टेंस होता है जो वो कवर करती है उसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब देखें इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इंतखाब किया। अब यहां मैं आपको बता दूं कि हमने इसका इंतखाब क्यों किया, क्योंकि आप अपनी बुक में पहली पहली जो डायग्राम मैंने आपको शो की थी अगर आप उसको देखें तो जब एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऐसे मूव करेगी जब वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो एच है उसमें दो विलास्टीज इन्वॉल्व होंगी, एक इनिशियल विलास्टी और एक फाइनल विलास्टी। तो शुरू में तो विलास्टी होगी लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो पहुंचेगी तो उसकी वर्टिकल जो विलास्टी होगी वो जीरो हो जाएगी। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना कि एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन विच कंपोनेंट ऑफ विलास्टी बिकम जीरो। तो याद रखना ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो हाईएस्ट पॉइंट पे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जीरो हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ दो विलास्टीज इन्वॉल्व थी इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन को यूज किया, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी एफ स्क्र। अब क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल डिस्टेंस का तल्लुक वाई कंपोनेंट के साथ होता है, इसलिए आपने पहले एक्सेलरेशन के साथ भी वाई डाल देना है और विलास्टीज के साथ भी वाई डाल देना है,
तो ये जी इजी हो जाएगा। अब ए वाई की जगह आप माइनस जी डाल देंगे क्योंकि अपवर्ड है। एस की जगह इस वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट कहते हैं, एच लिख देना, और हाईएस्ट पॉइंट पे वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, जबकि इनिशियल जो वी आई वाई होगा वो वी आई साइन थीटा बन जाएगा। इसका स्क्वेयर ले लेंगे तो आपका जवाब आएगा -2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो इक्वेशन है बच्चों जो आप जहन में रखेंगे हाइट के हवाले से, कि हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ये जो स्क्वेयर है ये साइन स्क्वेयर है, थीटा नहीं है, थीटे के ऊपर स्क्वेयर नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम हाइट कब होगी। देखिए फार्मूला है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। तो जो हाइट है वो उस वक्त मैक्सिमम होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। यानी हॉरिजॉन्टल के लिहाज से यूं एक चीज है मैंने आपके सामने बनाई हुई है, जब ये यूं होगी ऐसे स्ट्रेट होगी तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 90 का एंगल बना रही होगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो हम ये कहेंगे कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 देन एच इज इक्वल टू एच मैक्सिमम, और ये इक्वल टू क्या होगा वी आई स्क्वेयर ओवर 2g। ये मैक्सिमम हाइट है, इसकी इक्वेशन को याद रखना। आप पुट करके हल भी कर सकते हैं, जब आप थीटा को 90 लेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, तो जवाब आएगा वी आई स्क्वेयर ओवर 2g। तो ये हमारे पास है हाइट। तो कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिराइव द रिलेशन फॉर दी वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो आपने ये हाइट ही निकालनी होती है। अक्सर स्टूडेंट गलती कराते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट वाला वाई निकाल आते हैं, वो गलत है। जब भी आपसे पूछा जाए डिराइव रिलेशन फॉर वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो वो हाइट होती है। और ये इसकी ऑब्जेक्टिव जहन में रख लेना कि एट व्हाट एंगल हाइट विल बी मैक्सिमम, तो आप याद रखेंगे 90 के एंगल पे हाइट मैक्सिमम होती है। तो आज मैंने आपको बच्चों ये समझाया कि प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो उसके अलावा से चंद मैंने आपको एम पॉइंट्स भी बताए, और आज हमने जो इसकी कैलकुलेशनें की वो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, फिर हमने विलास्टी फाइंड आउट की, और फिर हमने हाइट फाइंड आउट की। दो चीजें रह गई हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, इनको हम इंशाल्लाह कल फाइंड आउट करेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है ये एंड हो जाएगा। जी